कैसे हमारी लाइफ स्टार्ट की थी कनाडा में, और लिटरली उनके हाथ छिल जाते थे जब वो आते थे। तब तो होता था आई थिंक 2 दिन वीक में मैं कॉलेज जाती थी, और ऐसे हमने लाइफ स्टार्ट की। हमने टॉयलेट भी क्लीन किए हैं, सब कुछ। हमने पोछा भी लगाया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। हम है द गुज्जू फैमिली इन कनाडा, और आज है 26th of December, बॉक्सिंग डे का दिन है। रोना कभी अभी सुबह सुबह जॉब पर चले गए हैं, आज उनको जल्दी जाना था। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को। तो जब भी विंटर आता है, जब भी क्रिसमस आती है, तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती है कि कैसे हम आए, कैसे हमने इनिशियल जॉब्स ढूंढे, क्योंकि हम लोग फॉल 2019 में आए थे। तो उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है कि हमने इनिशियल जॉब्स क्या किए थे, कैसे हमारी लाइफ स्टार्ट की थी कनाडा में, और अभी हम क्या कर रहे हैं। आज पूरा वीडियो उसके ऊपर आने वाला है कि इनिशियल जॉब्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं और क्या क्या जॉब होती है, हमने कैसे की थी। तो एज आप फैमिली आते हो तो आपको क्या क्या तैयारियां रखनी पड़ेगी, तो वो सारी आप वो वीडियो से जानकारी ये वीडियो से जानकारी ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले 2-3 दिन से छुट्टियां चल रही थी और हम लोग बस बातें कर रहे थे कि क्योंकि ये हमारा फोर्थ विंटर है, फोर्थ क्रिसमस है इन कनाडा, सारी मेमोरी रिकॉल कर रहे थे कि कैसे आए थे, क्या करते थे। तो हमने सोचा कि हम बनाते हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो छोटा सा कि हमने इनिशियल डेज में कैसे हमारा जॉब ढूंढा और हमने क्या क्या जॉब्स किए हैं यहाँ पर आके तुरंत। तो कैन वी स्टार्ट? यस। आते ही पहला काम था कि हम खुद से रहने लगे थे, और पीहू बहुत छोटी थी तो शेयरिंग में हम नहीं रह सकते थे। बहुत सारे लोग अलाउ नहीं करते हैं बच्चे के साथ रहने के लिए, तो हम डे वन से ही इंडिपेंडेंटली रहे हैं हम तीनों। तो हमारा फर्स्ट बेसमेंट अकोमोडेशन था, और तब बारी थी जॉब ढूंढने की। तो फर्स्ट जॉब रौनक ने किया था फैक्ट्री में। उसमें काम किया, उसमें मैंने 3-4 वीक काम किया। उसके बाद मैंने वो जॉब कैसे ढूंढी थी, एजेंसी थ्रू किया था। यस, तब यहाँ पर जॉब एजेंसीज होती है, वो आप गूगल करोगे कि एजेंसी नियर मी, तो आपको गूगल पे लिस्ट मिल जाएगा। वहां पर आप जाके बोल सकते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, और वो लोग बहुत सारे टाइम ऑन कॉल देते हैं, और बहुत सारे टाइम क्या करते हैं कि वो लोग बोल देते हैं कि आपको इतने दिन जाना है। फर्स्ट पहली बस जो होती थी ना, वही वो लेते थे और फिर जाते थे। बहुत सारा वॉक करके भी जाना होता था, और मुझे अभी भी याद है वहां पर गर्म होते थे वो, जब जो सॉस भर के आती थी बोतलें, वो उठाते थे और लिटरली उनके हाथ छिल जाते थे जब वो आते थे तब। तो इट वाज हार्ड जॉब काइंड ऑफ। तो होता ही है, अभी क्या करे, चलता है। तो वो पहली जॉब थी, उसके बाद मैंने गमीज की फैक्ट्री में किया था। हाँ, फिर दवाई आती है जो गमीज मल्टीविटामिन्स, उसकी फैक्ट्री में। वो भी मिसेस आगा में ही थी, उसमें किया। तब मैं जॉब नहीं करती थी, आई वाज विद पीहू। पीहू को रखना भी एक काम था, क्योंकि उसको अभी हम कहाँ छोड़ नहीं पाते। तो तब मैं जॉब नहीं करती थी। आते ही इनिशियल डेज की बात है, मुझे कॉलेज जाना होता था आई थिंक 2 दिन वीक में मैं कॉलेज जाती थी। तो तब रौनक घर पे रहते थे और बाकी के दिन मैं घर पे होती थी, और ऐसे हमने लाइफ स्टार्ट की। और उसके बाद सबवे में, वो भी मिसेस आ गया। तो सबवे रेस्टोरेंट में हमने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की रौनक ने अपनी, मतलब क्या बोलते हैं, परमानेंट जॉब कह सकते हैं। वो वाली तो कैसी थी, ऑन कॉल थी फैक्ट्री वाली जॉब्स तो, पर ये परमानेंट जॉब ब्रैम्पटन टू मिसिसागा वो जाते थे, दो ढाई महीने के बाद ये जॉब हमें मिल गई थी। तो आप पहले सबवे रेस्टोरेंट, आपको तो पता ही है, अब तो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है सबवेज, पर एक यहाँ का एक नजारा देख लीजिए। मेजोरिटी सबवे रेस्टोरेंट में, मतलब जीटी एरिया में, एशियन काम करते हैं, एशियन ही काम करते हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि कोई जीटी एरिया में
कि कोई लोकल काम करता हो सब रेस्टोरेंट्स में. मेजोरिटी ओनर्स भी एशियन होते हैं और वहाँ के वर्कर भी एशियन होते हैं. तो ऐसे होते हैं सब रेस्टोरेंट्स यहाँ. और सैंडविच आर्टिस्ट से हमने हमारी जॉब्स की शुरुआत की. फिर ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत गए और फिर मैंने सोचा कि मैं जॉब ढूंढूंगी. तभी मार्च में कोविड हिट कर गया. थोड़े हम सेटल हुए थे कि भाई अब मैं भी जॉब ढूंढ सकती हूँ और हम दोनों अल्टरनेट जॉब करेंगे. 2020 में मार्च में आई थिंक 17 मार्च को लॉकडाउन आ गया था. तब कनाडा में 17 मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ था. और तब क्या था कि अगेन अब कोई जॉब्स वैसे भी सब बंद था तो क्या कहाँ जॉब मिलेगी. तो मेरा फिर से ब्रेक लग गया. मई से मैंने स्टार्ट किया सबवे में काम करना. तो फिर हम दोनों ही सबवे रेस्टोरेंट में काम करते थे मई महीने से. तो कैसे हम मैनेज करते थे, सुबह जाती थी जॉब करके आती थी और रौनक को 3 बजे स्टार्ट करना होता था. तो मैं ऑन द वे हम लोग एक बस स्टॉप पे मिलते थे. पीहू को रौनक आधे तक लेकर आते थे और वहाँ हम पीहू को एक्सचेंज करते थे. रौनक जाते थे जॉब में और मैं पीहू को लेकर घर पे आती थी और फिर रौनक घर पे आके सोते थे दूसरे दिन सेम. तो ऐसे हमने सबवे रेस्टोरेंट्स में जॉब किए. पहले सबवे रेस्टोरेंट में जॉब करना मतलब क्या क्या ड्यूटीज होती है रौनक? सबवे में लाइक वो जॉब बोलते हैं सैंडविच आर्टिस्ट. लाइक तो ऐसा लाइक सब कुछ करना है. सैंडविच ही बनानी है, ब्रेड भी बनानी है, कुकीज भी बनानी है, प्रेप करना पड़ता है, वेजिटेबल प्रेप करना पड़ता है, फिर बर्तन भी धोने हैं, मोप भी लगाने हैं, सब कुछ करना है A to Z. तो सब कुछ करना है. वहाँ हमने टॉयलेट भी क्लीन किए हैं, हमने पोछा भी लगाया है. तो ना कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है. तो वो टाइम है. इट्स अ प्रोसेस. वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी बनाए हमारे वहाँ पर जो भी हमारे साथ काम करते थे. बॉस सही थे और हमारे बॉस जो जिनके घर जिनके वहाँ हम काम करते थे, मैं बता भी नहीं सकती कि उन्होंने हमें कितना सपोर्ट किया है. थैंक यू टू हिम एंड हर. और फिर एक साल एग्जैक्ट मैंने काम किया उधर. एक साल काम किया और फिर तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो जॉब क्विट करना पड़ा क्योंकि मेरी शिफ्ट जो होती थी वो वीकेंड में ज़्यादा होती थी और तब मेरे क्लासेस होते थे. तो फिर मैंने रौनक ने एक्चुअली मोटिवेट किया. जब मैं अफ्रीका थी तो मेरा स्मॉल केटरिंग का बिजनेस चल रहा था अच्छे से. तो रौनक ने बोला कि तू यहाँ भी कुकिंग का क्यों नहीं करती. तो फिर मैंने एक ऐड रखा कि अगर किसी को होम कुक चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट करे. और फिर मैं डोर टू डोर सबके घर पर जाके खाना पकाती थी. और वो टाइम भी इट वॉज लाइक डिफिकल्ट क्योंकि पर भगवान की दया से जितने भी लोग के घर में जाती थी बहुत ही अच्छे लोग थे. और कोविड था तो वो लोग मुझे ड्रॉप अप और पिकअप भी करते थे. फिर थोड़ा कोविड कम हुआ तो फिर मुझे बस से जाना पड़ा. तो मैं पीहू को 3.5 साल की पीहू को मैं इतनी ठंड में, जैसे आपने देख रहे हो ऐसे विंटर्स में, मैं उसको लेकर 15-20 मिनट वॉक करके 1.5-1.5 घंटे का ट्रैवल करके सबके घर पे खाना पकाने के लिए जाती थी और रौनक सबवे में काम करते थे तब. तो ऐसे हमने फिर और थोड़ा टाइम निकाला और एग्जैक्ट 1 साल के बाद वो जॉब की 2020 सितंबर में. कनाडा में लैंड होने के 1 साल बाद रौनक गॉट अ जॉब इन अमेजोन एज अ लेबर. एज अ लेबर मैंने स्टार्ट किया हुआ अमेजोन में. और उधर भी लेबर थोड़ा टफ था काम, मगर उधर भी बहुत कुछ सीखा. उधर से भी डिफरेंट टास्क आते थे, वो भी मैंने कई सारे सीखे. 1 साल मैंने ब्रैम्पटन में थी, मिसेज आके में रहते थे, वो ब्रैम्पटन वापस आता था. तो फिर मैंने जब भी अमेजोन में स्टार्ट किया उसके एक वीक के बाद गाड़ी ले ली. वो डिसीजन बहुत ही ज्यादा टफ था क्योंकि उनका तो लेबर जॉब ही था तब. तो मतलब मिनिमम वेज पे काम करना और वो सीजनल था, उन्होंने परमानेंट भी नहीं किया. वो परमानेंट जॉब नहीं थी और मैं तो यही मेरा कंटिन्यू कुकिंग का चल रहा था. तो इतना फीस भी भरनी होती थी, तब मैं स्टूडेंट थी तो
और ये सब करके कैसे मैनेज करेंगे वो सोच रहे थे, पर क्या करें तब गाड़ी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि हमने कैसे गाड़ी ली, कैसे एग्जाम दिया, तो मैं वो वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। पर मगर नहीं लाइक फिर हाँ एक साल वो भी लेबर काम किया। मगर एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि आप अपना 100% दो और भगवान पे विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर रास्ता खुद ब खुद बनता गया। वो अमेजोन में रौनक ने जब जॉब स्टार्ट की उसके बाद का एक साल बहुत ही अच्छा बीता हमारा। और फिर एक साल के बाद आई कंप्लीटेड माय स्टडी लास्ट ईयर दिसंबर में, और जनवरी में रौनक गॉट न्यू अपॉर्चुनिटी प्रमोशन। वो लेबर में लेवल वन बोलते हैं अमेजोन में, और जब भी मुझे जनवरी 2022 में I got promoted as a level 3. Level 1 to level 3 in YHM1 Amazon, which is Hamilton. So, Hamilton move hona. We moved to Hamilton. So, Hamilton pehle like Mississauga se Hamilton mein like Hamilton mein commit kar raha tha. So, level 3 mein mujhe idhar promote kiya. To idhar aa gaye phir. Aur abhi bhi And I also got a job in February हाँ. in administration. तो मेरा और रौनक का दोनों का job February में start हुआ। मतलब सारे ही काम किए हैं हमने, सब किया है। और एक चीज है कि जो भी करो अच्छे मन से करो, रखना कोई काम छोटा नहीं होता। कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इंडिया कहीं भी ले लो, अपनी कंट्री में सभी को मैं बोल रहा हूँ, कहीं जगह पे जाओ कोई काम छोटा नहीं होता, सब करो, like, काम ही होता है। और एक बात, जब मेरी बहन आई थी तब भी उसने भी खुद से ही जॉब ढूंढा था, तो वो टीम हॉटन्स में काम करती थी। टीम हॉटन्स कैसा होता है वो आप पहले देख लीजिए। तो ये है टीम हॉटन्स के नज़ारे। यहाँ पर कॉफ़ी, चाय और जो स्नैक्स वगैरह होता है ब्रेकफास्ट वो मिलता है। और ये थोड़े थोड़े अंतर पे होते ही हैं, जैसे हमारे इंडिया में चाय वाले होते हैं वैसे यहाँ पर जगह जगह पर टीम हॉटन्स होते हैं। और मेजॉरिटी जीटीए एरिया में टीम हॉटन्स में एशियन वर्कर काम करते हैं। टीम हॉटन्स यहाँ का मतलब जैसे हमारी चाय की लारी होती है इंडिया में, वैसा यहाँ का है, हर जगह पर होता है। तो ऐसे होते हैं इनिशियल जॉब्स आप जब भी आते हो तो मतलब अगर आप ऐसे दिमाग से आते हो कि मैं यही काम करना चाहता हूँ या यही काम करूँगी, देन इट विल बी डिफिकल्ट। पर अगर आप जो भी मिला वो काम ले लेंगे तो लाइफ इज मच इजियर। ऐसे थे हमारे इनिशियल डेज इन कनाडा, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे, पर या वी सस्टेन, वी डिड इट। थैंक यू टू भगवान, जितना लाइक आप मेहनत 100% करो और फिर जो भी होएगा भगवान पे छोड़ दो, सब कुछ अच्छा ही होएगा। तो ये था हमारे इनिशियल जॉब्स पे वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं या प्रोसेस कर रहे हैं कनाडा आने की, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। तो फिर मिले तब तक, आप सबको जय श्री कृष्ण।